Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 4, subject English Literature. I'm your teacher Sidra Siddiq and this is our lecture number 5. Chapter is Tomkin and the Three-Legged Stool. हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. हम प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग्स भी की हैं हमने. और आपको पता होगा टॉमकिन जो एक टेलर है और वो उसने एक ड्रीम देखा था, ख्वाब देखा था जिसमें वो किंग बनता है. तो वो उसका जो ये स्टूल है, थ्री लेग्ड तीन टांगों वाला स्टूल, वो उसकी किंगडम को ढूंढने के लिए निकलते हैं. तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं. Open your books on page number 104. We will start reading. Tomkin and the stool walked on. They noticed that the grass and bushes on either side of the path were dusty brown. The trees had no leaves and the earth was hard and cracked. अब उन्होंने जब वो चल रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ जो घास थी और जो झाड़ियाँ थी वो हल्के ब्राउन कलर की थी और दरख्तों पर कोई पत्ते नहीं थे और ज़मीन भी बहुत सख्त थी. It has not rained for ages, said Tomkin, but it might be going to rain soon. अब टॉमकिन ने कहा कि लगता है यहाँ बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई, लेकिन लगता है जल्द ही यहाँ पर बारिश होगी. There was a huge black cloud swirling around the top of the hill ahead of them. They could see a village halfway up the hill, and beyond the village was a castle. Maybe that's my kingdom, said Tomkin. अब उन्होंने देखा कि आसमान पर एक काला बादल तैर रहा है और पहाड़ी के आगे उन्होंने एक गांव देखा और उस गांव के दूसरी तरफ उनको एक कैसल भी नज़र आया. और टॉमकिन ने कहा कि हो सकता है वो मेरा किंगडम हो. मे बी इट इज़ सेट द स्टूल, इट सर्टेनली लुक्स एज इफ़ ऑल द पीपल हैव कम आउट टू मीट अस. अब टॉम स्टूल ने कहा कि ऐसा ही लगता है और सारे लोग हमें मिलने के लिए बाहर आ चुके हैं. The three-legged stool was quite right. Many men and women and children were hurrying down the hill towards them. Stool अपनी बात में बहुत ठीक था. बहुत सारे औरतें, आदमी और बच्चे उनकी तरफ आ रहे थे. Tomkin shook his head. I don't think I want to be king here, he said. These people look sad. Tomkin ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ किंग बनना चाहता हूँ. ये लोग बहुत उदास लगते हैं. A bony little girl reached Tomkin and the three-legged stool first. Oh please, he gasped, clutching at Tomkin's arm. Please have you come to make it rain? अब एक छोटी बच्ची टॉमकिन के पास आई और थ्री लेग्ड स्टूल के पास और आके उसने टॉमकिन का बाजू पकड़ा और उसे कहा कि आप यहाँ क्या बारिश करवाने आए हैं. What do you mean? said Tomkin. टॉमकिन ने कहा कि क्या मतलब है आपका. There is the biggest, blackest cloud I ever saw. Over there it must be about to rain, puddles and ponds and lakes and sea. टॉमकिन ने कहा कि आपका क्या मतलब है, यहाँ पर ऊपर एक काला बादल है और जिसकी वजह से इतनी बारिश होगी कि उससे दरिया, समंदर सब कुछ भर जाएगा. नेक्स्ट पेज. द लिटिल गर्ल बिगैन टू सॉब, ऑल्दो नो नॉट वन टियर केम आउट ऑफ हर आइज. जो छोटी लड़की है वो रोने लगी लेकिन उसका कोई भी आंसू नहीं निकला. बट दैट्स जस्ट इट, शी वेल्ड. द क्लाउड इज ऑलवेज अप देयर बट इट नेवर रेन्स. अवर रिवर हैज़ ड्राइड अप एंड वी हैव हैड नो वाटर फॉर मंथ्स. अवर काउस एंड शीप्स हैव रन अवे एंड वी हैव नथिंग लेफ्ट टू ईट बट वन कप फुल ऑफ फ्लोर. इफ इट डजंट रेन सून वी विल ऑल ड्राई अप into dust and blow away in the wind. अब जो छोटी बच्ची है उसने कहा कि ये बादल हमेशा यहीं पर रहता है लेकिन कभी भी बारिश नहीं होती है और उनके पास बहुत महीनों से कोई पानी नहीं है और उनकी जो काउस हैं, शीप्स हैं, वो भी चली गई हैं और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास आटा ही है खाने के लिए. और अगर कोई भी बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर सब कुछ सूख जाएगा और हवा में उड़ जाएगा. टॉमकिन लुक्ड अराउंड. ऑल द पीपल वर गेजिंग एट हिम, देयर आईज ह्यूज एंड होपफुल.
ही लुक्ड अप एट द ब्लैक क्लाउड। अब सारे लोग जो थे वो टॉमकिन की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, और टॉमकिन ने बादल की तरफ देखा। वेल ही सैड, अहम सेड द थ्री लेग्ड स्टूल इन अ स्मॉल वॉइस, डजेंट दैट क्लाउड लुक फुल ऑफ रेन, एज फुल ऑफ रेन एज अ बैग माइट बी फुल ऑफ नीडल्स एंड रील्स ऑफ कॉटन, बट वन स्निप ऑफ योर सीजर एंड दे वुड ऑल फॉल आउट। अब जो उसका तीन टांगों वाला स्टूल है उसने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ये बादल इतना बारिश से भरा हुआ है जैसे एक बैग के अंदर बहुत सारी नीडल्स हों और वो कॉटन से भरा हो और एक सीज़र का सिर्फ कट लगे और सब कुछ बाहर आ जाए। ओह यस सर टॉमकिन, हाउ क्लेवर यू आर, व्हेन आई एम किंग आई एम सर्टेनली गोइंग टू मेक यू प्राइम मिनिस्टर। अब टॉमकिन ने स्टूल से कहा कि तुम बहुत चालाक हो, जब मैं किंग बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें लाजमी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। द स्टूल स्पन अराउंड ऑन थ्री लेग्स एंड सैंग प्रोमिसेस प्रोमिसेस 1 2 3, अ किंग विल नेवर रिमेंबर मी। अब जो स्टूल था वो अपनी अपनी टांगों पे घूम गया और उसने ये गाना गाया। जस्ट यू वेट एंड सी सेड टॉमकिन एंड ही मार्च्ड अप ऑन द हिल। अब टॉमकिन ने कहा कि तुम बस अब देखो और मेरा वेट, और वो ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ गया। तो आज हम लोग इतना रीड करेंगे, आप लोग यहाँ पर इसको मार्क कर लें। अब उसके बाद जो आपका रिटन वर्क है वो है आरटीसी, और ये आरटीसी नंबर 1 है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी देन आंसर द क्वेश्चन। अब हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया हुआ है, और अब आपने देखना है कि ये लाइन कहाँ पर बोली गई, किसने कहा है और किससे कहा है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू बी किंग हेयर ही सेड। अभी आपको याद होगा कि आज ही जो हमने पेजेस रीड किए हैं उसमें टॉमकिन ने ये लाइन बोली थी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू बी किंग हेयर। टॉमकिन ने कहा था कि मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ किंग बनना चाहता हूँ, और उसने ये स्टूल से कहा था। चलें अब हम इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रीड करते हैं। हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये वर्ड्स किसने कहे थे और किससे कहे थे। टॉमकिन द टेलर सेड दीज वर्ड्स टू द थ्री लेग्ड स्टूल। अब टॉमकिन ने वर्ड्स कहे थे तीन टांगों वाले स्टूल को। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही नॉट वॉन्ट टू बी किंग देयर। अब क्वेश्चन ये है कि वो वहाँ पर किंग क्यों नहीं बनना चाहता था। आंसर इज बिकॉज द पीपल ऑफ द विलेज लुक्ड सैड, क्योंकि जो गाँव के लोग थे वो बहुत बहुत सैड दिख रहे थे, ये टॉमकिन वहां पर किंग नहीं बनना चाहता था। और इसका क्वेश्चन जो सी है, थर्ड, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ। अ बॉनी लिटिल गर्ल केम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सम थिंग टू द बिग ब्लैक क्लाउड टू मेक इट रेन। उसके पास एक छोटी लड़की आई थी और उसने उसे आके कहा था कि आप कुछ ऐसा करें कि ये जो बड़ा बादल है, जो ब्लैक क्लाउड है, इससे बारिश हो जाए। तो आपने सिर्फ ये आरटीसी नंबर 1 इस अपनी कॉपी पे इसका काम लिखना है आपने। अच्छा, लास्ट में हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। आपने रीड करना है पेज नंबर 104 एंड 105 ऑफ चैप्टर टॉमकिन एंड द थ्री लेग्ड स्टूल, और आरटीसी नंबर 1 को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही है। We will meet in the next lecture. Okay. Thank you for watching. Allah Hafiz.